अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? सब दा ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करना सब ठीक ठाक होंगे। अज मैं तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ एक नवी वीडियो लैके। मुसलसल बारिशां हो रही ने, खास करके जिस दिन मैं वीलाग बनाना हो उस दिन रात नूं तो बारिश जरूर होना हुंदा। जिहड़ी कणक बिल्कुल पकने के करीब है और बारिश जिहड़ी है इस कणक नूं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही। अच्छा जी, इत्थों हाल वेखो, कणक दा बिल्कुल डिग गई। अगर इंज ही मुसलसल बारिशा रही तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो कणक की फसल में। बिल्कुल काले बदल जड़े ना ये आसमान तो काट तो जिमीदारा के दिल उत्ते ज़्यादा मंडला रहे हैं, क्योंकि बहुत ही नुकसान होना अगर फिर बारिश आई तो। जड़े बंदे पैसों ना कणक लैके तो खाते ने सारा साल, उन्होंने वास्ते भी ये नुकसान दे। साइड वेखो तो चाचे री बूटी वढ़ रहे ने सड़क के नाल नाल, बाकी इस साइड वेखो कणक मैं बहाना तो नज़दीक जाके। हल तो चंद्रा भी पिया, बाकी अल्लाह तला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि इतने बारिश ही है। तो माशाला चाचू हरी बूटी वढ़ रहे ने और काफ़ी देर दे लगे ने माले डंगरे वास्ते। चाचू जी अस्सलाम वालेकुम, सुनाओ की हाल है? ठीक हो? तो ये दसो भी हूँ जी बारिश आ रही है ये कणक वास्ते नुकसान दे कि फायदेमंद? अच्छा, हूँ भाई बहुत ज़्यादा पहले बारिश हो चुकी है, लेकिन हूँ फिर जो बारिश आवे फिर नुकसान है? अच्छा अच्छा, पहले दिन इस बात इस बारी कणक जी है वह लैनी भी थोड़ी के मुश्किल होनी है, क्योंकि सही लभनी भी नहीं ठीक है और महंगी भी बहुत ज़्यादा होनी है। अच्छा जी, वो वेखो उतू सामने तो लैके चाचे री बूटी वढ़ते आए ने और इतने तक इन्हें वढ़ ली है माल डंगर वास्ते। वेखो हालात पंजाब दे, अजे भी बूटिया के उत्ते बारिश के कतरे ने और अगों भी कोई पता नहीं किस टाइम बारिश आ जाए, रात में भी बारिश लगी रही है। इधे वेखो तो इन्हें बिल्कुल कणक वढ़नी शुरू कर दिती है। सामने वेखो तो इतने भी बहुत ज़्यादा कणक डिग गई है। बिल्कुल वो सामने तो लैके इतने तक कणक वढ़ ली है और ये कणक होंगी है जी अजे बिल्कुल पक्की नहीं होंगी, उदू पहले ही ये बंदे खरीद लेंगे ने माले डंगरे वास्ते। अच्छा जी, इस साइड का नाला आ रहा और इस साइड सामने जिथे चाचे री वढ़ रहे सारी जमीन में पानी ना शराब करता। बाकी इतू वेखो बहुत ज़्यादा कणक इतने भी डिग गई है, बाकी चलने अगे। उतनी ज़्यादा कणक पकती है जितनी ज़्यादा धुप होंगी है और लेकिन इस बारी अल्लाह ताला दी करनी इंज हुई है कि धुप की थां उत्ते बदल बन गया और तकरीबन रोज़ रात में ही बदल आंदा। रोजे तो ठंडे ने लेकिन कणक नूं नुकसान हो रहा और कणक के पकने च भी ताखीर हो रही है। इंशाल्लाह ईद तो फौरन बाद ही कणक की पाई शुरू हो जाएगी। विचू विचू कणक जड़ी है ना बहुत ज़्यादा जगह तो डिग गई है। जो ही धुप चढ़नी शुरू होती है कणक का रंग सबज खत्म होता जाता है। क्या थलू वेखो बिल्कुल इतू चेक करो तो रंग बदल आई सी, लेकिन अगू फिर धुप रुक गई है। उपरू चेक करो तो अजे सबज है। पत्तियां का भी माशाल्लाह रंग उपरू बदल आया और कई जगह तू तो कणक जड़ी है पक भी गई है। सामने वेखो चाचेर ते अपना काम मुकम्मल कर लिया, पूरा परोटा एक जड़ा ना का दा ना बन लिया, हूँ वह जा रहे ने, असी भी चलने और वेने अगे चल के। वेखो जी, इस दे नालों भी मैं लंघ रहा तो मैं वेख्या वो पिछली कणक जी तुम आई है वो नालों ज़्यादा यदा नुकसान है। ये माशाल्लाह बिल्कुल पक चुकी है, लेकिन अजे भी यदा रंग बदलना, जो ही सूरज चढ़ना तो रंग होर बदलेगा। ईद तो फौरन बाद ही कणक वढ़नी शुरू कर देने, नाले के उत्ते बिल्कुल तूत लगे ने और बिल्कुल पक्के ने, चेक करो काले काले इस साइड वेखो। तकरीबन सारे जिम्मेदार यही आख रहे हैं कि जो कुछ हो गया ये तो इतना नुकसान नहीं होया, अल्लाह ताला अगे ही दुआ कि इस अगे हूँ बारिश ना आए। बाकी तुसी भी दुआ करो अल्लाह ताला खैर करे। बाकी हूँ फिर थोड़ी थोड़ी बारिश लग रही है, मैं भी चलना। ऐसी अर्द का वीलॉग जो तुहाडे नाल शेयर किया, मीन दी इजाजत मिलेगा किसी और नवी वीडियो च। अल्लाह हाफिज़।